फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूँ सोनिया शर्मा। आज की हमारी रेसिपी का कुकिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट का है, तो आज हम इन 5 मिनट में बनाएंगे मसाला भरवा बैंगन। तो आप भी कहेंगे सिर्फ 5 मिनट में मसाला भरवा बैंगन कैसे, तो चलिए फिर बनाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। भरवा मसाला बैंगन बनाने के लिए लेंगे हम आधा किलो छोटे वाले बैंगन, जिनको मैंने धोकर और साफ कर पहले से ही रख दिया था। अब इनको बीच में से काटेंगे इस तरह से, इनको पूरा नहीं काटना। अब सभी बैंगन को इस तरह से ही काट लेंगे। तो आइए देखते हैं भरवा मसाला बैंगन में कौन कौन से मसाले डलेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे हम एक बड़ा बाउल, क्योंकि इसमें हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे। आप भी बाउल इस तरह से लें कि जिसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सबसे पहले लेंगे हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर। इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपको थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसको 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें सरसों का तेल का यूज करें और किसी तेल का यूज ना करें। अब इस मसाले को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी आसान और जल्दी से बनने वाली है। अगर कोई मेहमान आपके घर शॉर्ट नोटिस पे भी आ रहे हैं तो ये रेसिपी आपकी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और इस रेसिपी को आप तब भी बना सकते हैं जब आपका मन रसोई में ज़्यादा काम करने का ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो बैंगन को इस तरह से पकड़ के इसमें मसाला अच्छे से ठूस ठूस के भर दें। तो इसी तरह से सभी बैंगन में मसाले को भर देंगे। ये भरवा बैंगन आपके खाने की थाली में एक एक्स्ट्रा डिश का काम कर सकती है, जो कि आपके दूसरे डिशेस के स्वाद को भी और ज्यादा बेहतर कर देगा। अगर आपको भरवा सब्जी पसंद है तो आपको ये भरवा बैंगन जरूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको घर में एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो चलिए अब इन भरवा बैंगन को फ्राई करते हैं। अब एक गरम पैन में 4 चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे सरसों का तेल ही लेना है। जब तेल गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग और 1/2 चम्मच मोटी सौंफ। अब इन भरवा बैंगन को इस पैन में इस तरह से रख देंगे। अब इनको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। दो से तीन मिनट के बाद बैंगन कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब इन सभी बैंगनों को दूसरी तरफ से पलट देंगे। अब फिर से इनको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। हमें यहाँ पे फ्लेम लो ही रखनी है। 2 से 3 मिनट के बाद बैंगन दूसरी तरफ से भी सिक चुके हैं। अब इनको फिर से पलटकर 1 मिनट के लिए खुले में पकाएंगे। तो
तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने इस भरवा सब्जी को एक बार बनाया तो आपको इसको बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी और स्वादिष्ट है। तो बस लीजिए, एक मिनट के बाद आपके करारे और स्वादिष्ट भरवा बैंगन बनकर तैयार हैं। और अब इनको थोड़े से हरे धनिए के साथ गार्निश करें और गर्मा गर्म परोसें। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि मसाला भरवा बैंगन कैसे बने। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।